तो सुप्रीम कल्टीवेटर की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं वो जो बुक होती है, बुक ऑफ प्रिमोर्डल केओस, वो कहती है कि ओए मैं कोई रेसिपी बुक नहीं हूँ, मैं एक डिवाइन ट्रेजर हूँ, डिवाइन ट्रेजर, हेवनली डिवाइन ट्रेजर, मेरा नाम है स्क्रिप्चर बुक ऑफ प्रिमोर्डल काओस, समझे। ये सुन के वो कहता है शायद तक तू मेरे साथ कोई ट्रिक खेल रहा है, तेरे को क्या लगता है मैं कोई पागल हूँ। ओए मैं कोई पागल नहीं हूँ। ये सुन के वो कहता है अबे कमीने मैं सच बोल रहा हूँ, सच में मैं एक बहुत रेयर डिवाइन ट्रेजर हूँ जो कि एक सीक्रेट ट्रेजर है, मेरे जैसा वेपन कहीं तेरे को नहीं मिलेगा, समझा ना। मेरे पास सब कुछ है, एवरीथिंग, तुझे जो चाहिए वो मैं दूंगा, यहाँ तक कि हर बड़ी बड़ी मार्शल आर्ट की डिवाइन लेवल की स्किल वगैरह सब कुछ है, तू मुझसे जो चाहता है वो मैं तेरे को देने के लिए तैयार हूँ। कि वो कहता अच्छा तो ठीक है एक काम कर, तू मुझे लिए एक काम कर, रसोई का चाकू ला दे, यानी एक नाइफ ला दे, कढ़ाई ला दे, बर्तन भांडा ला दे, ये ला दे और ये चीज़ ला दे। ये सुन के और हाँ साथों साथ हाँ एक बड़े से टेबल और लाना जिसपे मैं सब्जियाँ काट सकूँ। सुन के कई देख ले तो वो शांत होता है, फिर वो कहता अच्छा तो सच में तू यही चीज़ चाहता है, वाह क्या बात है, तेरे दिमाग में जो तेरा पुराना टैलेंट है ना लगता है वो दौड़ रहा है, ठीक है कोई ना, जैसी तेरी है, जैसी तेरी इच्छा, एज योर विश। अपने पास सारे बर्तन भांडे निकालने लगता है जिसमें से कुछ बहुत तो वो जानबूझ के हमारे मेकर के सर के ऊपर पटकता है। वो कहता है हमारे मेकर कहता है अबे यार लग रही है, वो कहता नहीं नहीं तेरे को चाहिए था ना, ये ले तेरे को ये चाहिए। हमारे मेकर वहाँ पे उस नाइफ को सभी बर्तन को देखता है, वो कहता बाप रे ये सारे मेटल, ये सारी ये सब कुछ, ये नाइफ बाप रे ये तो दुनिया का सबसे ज्यादा परफेक्ट भाई सबसे परफेक्ट नाइफ है यार, ये कितना ज्यादा हाई क्वालिटी से बना हुआ है। फिर वो अपने उनमें कहता है भाई ये जितने भी मटेरियल है ये सारे हाई क्वालिटी से बने हुए हैं, एकदम परफेक्ट है भाई साहब, किसी डिवाइन ट्रेजर से कम नहीं है ये। बुक ऑफ केओस कहती है कि आखिरकार तू कहना क्या चाहता है बे साले, सुन जैसा तूने विश किया था मैंने वैसा दे दिया साले, अच्छा इससे अच्छा तो मैं किसी और के हाथ लगता, साले मैं तेरे हाथ लगाऊं पता नहीं मेरा क्या नसीब चढ़ गया था। खैर कोई ना मेरी बात सुन, ये जितने भी वेपन्स है ना ये सारे हाउसवाइफ के हैं, समझे ना, तू एक कोई हाउसवाइफ नहीं है, तू एक मार्शल आर्टिस्ट है, एक मार्शल आर्टिस्ट समझा ना, एक कल्टीवेटर, तेरे को कोई हाई लेवल के डिवाइन वेपन चाहिए थे तो तू उससे मांग लेता, मैं तेरे को दे देता, पर ये सारी चीज़ें हट बेकार, आगे से कभी मुझे इन सब चीज़ों का मत कहना। और फिर सीन आता है बाहर का जहाँ पे वो जो क्रीचर होता है छोटा सा जिसको हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वो हमारे मेकेट को थप्पड़ मार मार के उठा रहा होता है, मेकेट फिर धीरे धीरे उठ भी जाता है। वो कहता आउच दर्द हो रहा है, कौन हिट कर रहा है, उठता है और इतनी खूबसूरत जगह देखता है, वो कहता है ये जगह तो बड़ी खूबसूरत है पर लेकिन एक मिनट यहाँ पे तो कोई नहीं है, तो फिर कौन है जिसने मुझे हिट किया था, मुझे उठाया था। और फिर मामे इधर उधर तो देखता है, वो कहता है वाह यार क्या कमाल का गार्डन है भाई, मुझे पता नहीं था कि इतने बढ़िया से एबीएस के अंदर इतना खतरनाक सा गार्डन भी होगा, वाह यार ये तो सच में यहाँ पर हर चीज़ एकदम डिवाइन, एकदम बहुत रेयर है, ये ग्रास रेयर है, ये ड्रैगन ग्रास, ये इतने इतनी खतरनाक ग्रास, ये मेडिसिन, और वाह इतने छोटे छोटे ये क्रीचर्स, ये सारे बहुत ज़्यादा बढ़िया है भाई साहब, मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं जैसी जगह भी देखूंगा, ये तो स्वर्ग है भाई साहब स्वर्ग। लेकिन तभी अचानक से पीछे माई मेकेट को कोई कहता है ओए कमीने अच्छा है फाइनली तेरे को होश आ गया है, और हो वो मैं हूँ जिसने तेरे को हिट मारा था, इधर देख इधर। और माई मेकेट पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पे एक छोटा सा क्रीचर बैठा होता है, और हम देखते हैं ये एक पिगी वाला बीस्ट होता है, कितना क्यूट है यार ये। माई मेकेट कहता है क्या तुम ही हो जो जिसने मुझे मारा था, और क्या तुम सच में कोई एक मैजिकल डिवाइन बीस्ट हो, मुझे देखने से तो नहीं लगता। सुन के वो हमारे मेकेट को मारता है, वो कहता है क्या तेरे को सच में ऐसा लगता है कि मैं वो डिमोनिक मैजिकल डिवाइन बीस्ट नहीं हूँ जिसको तू ढूंढ रहा था, यानी जिसने तेरे को उठाया था, साले वो मैं ही हूँ, मैं एक पिग किंग हूँ समझा, एक पिग किंग, मैं गॉड लेवल का बंदा हूँ समझा, तू जैसा एक लो लेवल का बंदा क्या ही जाने। और इस चक्कर में हमारे मेकेट के हाथ से उसकी पोटली छूट जाती है जिसमें उसका खाना होता है। और फिर वो तभी हमारे मेकेट के झोले के पास आता है, वो कहता है वो सूंघता है कि आय हाय हाय क्या खुशबू है, वो कहता है क्या इसमें जो खाना है क्या वो सच में तुमने बनाया है। हमारे मेकेट कहता है हाँ हाँ एक्चुअली हाँ ये मैंने ही बनाया था, पर लेकिन ये मैंने जल्दबाजी में बनाया था और मेरे पास खाने की कमी थी इसलिए मैं इतना ही बना पाया था, इसलिए ज़्यादा नहीं। और फिर वो अपने उन्हें कहता है ये पिगी डीमन ये दिखने में बहुत क्यूट और बहुत लो लेवल का है, पर इसकी बातें इसके एक्ट देख के ऐसा लगता है ये बहुत मैच्योर है, यहाँ तक कि सर तक ये बहुत पावरफुल भी हो सकता है, पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस जगह पर भी कभी फंस जाऊँगा क्या। फिर वो पिगी डीमन हमारे मेकेट के पास जाता है, वो कहता सर सर प्लीज़ सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे बुरे बिहेवियर के कारण, क्या आप वही उसी टाइप के इंसान हो जैसे कि वो पुराने इंसान उसको कहते हैं जैसे कि उनकी भाषा में, हाँ शेफ शेफ बावर्ची, क्या उस तरीके के इंसान हो। ये सुन के वो कहता हाँ हाँ मैं एक बावर्ची हूँ। सुन के वो कहता है तब तो बढ़िया बात है सर, शुक्रिया आप शुक्र है कि मैंने आपको उठाया सर, प्लीज़ मेरे लिए एक काम कर दोगे, मुझे बहुत शौरों से भूख लगी है, क्या क्या आप कुछ भी थोड़ा बहुत जो भी आपके दिमाग में है जैसा भी आपको आता है प्लीज़ थोड़ा कुछ बनाइए ना, भूख लगी हुई है। ये सुन के हमारा मेकेट कहता है ओ सच में ठीक है तब तो बढ़िया है, मैं तुम्हारे लिए जो भी जो कुछ हो सके वो सब बना दूंगा, जैसी तुम्हारी मर्जी जो तुम्हें पसंद हो वो मैं बना दूंगा। फिर मामा ही कहता है यार मेरे पास इंग्रेडिएंट्स थोड़े कम है, दूसरी बात मेरे पास मटेरियल तो है कि जिससे मैं बना सकूं, पर लेकिन मेन चीज़ वो नहीं है मेरे तब की आग जिससे मैं बना के तुम्हें खिला सकूं, जिसकी खुशबू सुन के तुम पागल हो जाओ। ये सुन के वो उसे एक बार के लिए जरा अपनी आग दे देता है, वो कहता है ये एक डिवाइन फायर है समझे ना, ये एक डिवाइन फायर है, ये बहुत रेयर है, और जैसे ही तुम्हारा काम खत्म हो जाए मुझे शांति से वापस दे देना समझे, काम खत्म होते ही वापस।
तभी हमारे मेकर के दिमाग में जो स्क्रिप्ट बुक ऑफ केओस जो होती है वो उसे बताती है, वो कहती है यार ये एक बहुत डिवाइन डिवाइन लेवल की एक फायर है, ये एक हेवनली फायर है, और इसकी जैसी 36 फायर और है, ये उनमें से एक आती है, यहाँ तक कि ये दो टाइप की होती है, यिंग एंड यांग, ये वाली जो है ये यांग टाइप की है जो कि प्योर एकदम अच्छी एनर्जी की फायर है, और यहाँ तक कि इसका बहुत अच्छा एडवांटेज भी है, इससे बड़े यहाँ से इससे बंदे की आत्मा तकातों को भी हम शटर कर सकते हैं, बंदे की कल्टिवेशन को, यहाँ तक कि ये मेडिसिन बनाने में तो बहुत ज़्यादा काम आती है, और यहाँ तक कि इसकी एक उल्टी फायर और है जिसका नाम है यिंग एनर्जी वाली फायर, वो एक इविल फायर है जो कि बहुत खतरनाक है, उसे इतनी आसानी से कोई कंट्रोल भी नहीं कर सकता जबकि इसे कंट्रोल किया जा सकता है। और फिर वो जो फायर है वो हमारे मेन कैरेक्टर के सीने में यानी कि उसके शरीर के अंदर चली जाती है, जैसे जब वो हमारे मेन कैरेक्टर की फायर उसके शरीर में जाती है तो जो पिगी डीमन है ना उसके शरीर से उसका कनेक्शन कट जाता है, यानी अब वो फायर हमारे पिगी डीमन की नहीं हमारे मेन कैरेक्टर की हो चुकी है। ये देखिए पिगी डीमन कहता है, इंसान तुमने ये कैसे किया, तुमने मेरी हेवनली फायर को अपना बना लिया, इससे मेरा कॉन्टेक्ट पूरी तरीके से टूट चुका है, अब ये मेरी नहीं रही, अब ये तुम्हारी हो चुकी है, इसने तुम्हें अपना मास्टर मान लिया, पर तुमने ये किया कैसे। अगले सीन में हमें हमारे मेन कैरेक्टर मोकिंग का घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फेंग मीनार आई होती है, यही कमीनी, वो उसका जूनियर कहता है कि मैम हमने पूरा घर छान मारा पर लेकिन मैम हमें ऐसा वैसा कुछ भी नहीं मिला जिससे वो ताकतवर बना हो, ये सुन के वो कहती है ये नहीं नहीं ये नामुमकिन है, कहते नहीं ऐसा नहीं हो सकता, पक्का इस घर में कोई ना कोई सीक्रेट जगह होगी जहाँ पे उसने वो सीक्रेट ट्रेजर छुपा के रखा होगा, पक्का उसके पास कोई सीक्रेट ट्रेजर हाथ लगा होगा जिसके कारण वो इतना ज़्यादा पावरफुल बना है, अगर वो मेरे पास लग गया तो मैं और ब्रदर हाउ दोनों अपनी पावर को बढ़ा सकते हैं, उसे मार के उससे वो ट्रेजर छीन लूंगी, पर लेकिन दूसरी तरफ देखे तो वो ट्रेजर कहीं मिल भी नहीं रहा, पक्का इस घर में कहीं ना कहीं तो कोई आर्टिफैक्ट है जिससे उसने छुपा के रखा होगा। कहती एक मिनट ये तो अंकल न्यू की नेम प्लेट है, क्या पता ये हो सकती है, अरे हाँ ये हो सकती है, क्या पता ये कोई डिवाइन ट्रेजर हो या फिर इसमें उसने छुपा के रखा हो, जरा चेक कर लें। और वो जैसे ही उसे छूने वाली होती है पर तभी अचानक से वहाँ एक हाथ आता है और फेंग मीनार का हाथ झटका देता है, ये देख के फेंग मीनार को गुस्सा आता है, वो कहती है अबे तू कौन है, और हाँ दोस्तों पिछले एपिसोड में मैंने बोला था कि इसकी एक आंख फोड़ दी, एक्चुअली इसकी आंख नहीं इसका मुंह ही एक्चुअली थोड़ा वो गंदा कर दिया मतलब कि काट दिया है, अब वो आपको आगे अगले एपिसोड में मैं दिखा दूंगा। वो होती है हमारी यानरुओ यानी हमारे मोकिंग की क्रश, वो कहती है कि सॉरी मैम आप इसको नहीं हाथ लगा सके, आप जैसे कचरा इंसान इस जैसी पवित्र चीज़ को नहीं हाथ लगा सकते, और यहाँ तक कि मैं कौन हूँ ये चीज़ भी आप जानना डिजर्व नहीं करती, जिस दिन आप ताकतवर बन जाएगी आप मेरे लेवल की आ जाएगी उस दिन हाँ मैं आपको बता दूंगी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले से नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।